कौन डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट अगेन में स्कूल नहीं पढ़ाना, उससे मैं संस्कृत टीचर विक्रम कलावत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले क्लास टेन में हम प्रत्यय पढ़े थे और उससे पहले संधि में हम स्वर संधि पढ़े थे। इसके बाद हम इसी ऑनलाइन क्लास में आगे संधि का जो पार्ट सेकंड है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि कहेंगे, आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन संधि इसको हल संधि कहते हैं, संस्कृत में हल संधि। हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं इसको और संस्कृत में हल संधि कहते हैं इसको। और इसकी परिभाषा परिभाषा देखिए, व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर, मतलब उनका मिलाप होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, अर्थात जो शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस इसे, वाक प्लस इसे, यहां पर कह व्यंजन है, कह क्या है, कह व्यंजन है और प्लस के बाद ई क्या है, स्वर है, व्यंजन और स्वर। और यहां पर जसत्व शक्ति के द्वारा कह का गैर हो जाता है और ये शब्द वागी बनता है, वो आपको जसत्व संधि में बताएंगे। लेकिन ये परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर कह का गैर हुआ है, प्लस के बाद स्वर है और एक दोनों का मिलान हुआ है, तो एक नया शब्द बना है, कह का कह के स्थान पर गैर होकर के वागी बना है। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ है इसे ही हम संधि कहते हैं। कह का गैर बना है, प्लस की बात नहीं है, स्वर है और कह का गैर हुआ है और ये जो मेल हुआ है और उससे जो परिवर्तन हुआ है उसे ही हम संधि कहते हैं। इस शब्द को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पहली जो संधि है इस सूत्र संधि, इस सूत्र में
संधि, स्थूल संधि, व्यंजन संधि है, हर्ष संधि है, इसके नाम अटपटे हैं, लेकिन ये जो संधियां हैं वो बहुत सीधी होती हैं, सरल होती हैं स्वर की अपेक्षा। तो इस सूत्र संधि में आप देखेंगे कि इसका सूत्र जो होता है वो स्तो इष्टु नाम इष्टु होता है, सूत्र होता है स्तो इष्टु नाम इष्टु। अब इसका मीन्स क्या होता है, इसका आप देखिए कि स तैवर, से और तैवर, तैवर का मतलब आप जानते हैं कि तै और थे, दे दे ने, ये सभी जो अक्षर हैं वो हलंत हैं मतलब आधे हैं। ये तो प्लस के पहले आने चाहिए, प्लस से पहले आना चाहिए और प्लस के बाद में से और चेवर, चेवर मीन्स चे चे जे जे और ये। ध्यान से देखिए आप कि स तैवर मतलब स और तैवर तय धै धै और धै और ने और प्लस के बाद में स और चैवर, स और चैवर इसका मतलब है चे छे जय जय और ये अक्षर है। तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर, इनके स्थान पर, इस स के स्थान पर ये से हो जाएगा, तैवर के स्थान पर चैवर हो जाएगा, तय का चैवर जाएगा, थे का चैवर जाएगा, दे का जैर जाएगा, ते का जैर जाएगा और इस ने का ये हो जाएगा, लेकिन प्लस के बाद में ये अक्षर होंगे तब। प्लस के बाद में सह चैवर होगा तभी ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है इनके स्थान पर ये अक्षर होंगे। जैसे लिखते हैं हम रामस प्लस सेते, रामस प्लस सेते, ये रामस है। सबसे पहले आप देखेंगे कि प्लस से पहले वाला अक्षर क्या है, तो प्लस से पहले वाला अक्षर आपका स है और प्लस से पहले वाला अक्षर उसमें देखेंगे प्लस से पहले अक्षर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहां पर आप देखेंगे स आ रहा है, आ रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस के बाद यहां पर स है और इसमें स है या नहीं है, तो ये स है, इसमें स है इसमें, तो यहां पर इस स की जगह हम ये स करेंगे, इस स की जगह हम ये स करेंगे, तो यहां पर रामस प्लस सेते। अब आप यहां पर इस प्रकार से इसको लिखेंगे, रामस सेते, क्योंकि इसके स्थान पर ये स हुआ है, क्या हुआ है, इसके स्थान पर ये स हुआ है, क्योंकि प्लस के बाद में ये स है और ये सभी अक्षर हलंत है, तो इनके स्थान पर भी हलंत अक्षर आएंगे। ध्यान से सुने आप
ये सभी हलंत अक्षर हैं और इनके स्थान पर आने वाले अक्षर भी जो है वो हलंत है, तो ये स है तो इस स्थान पर ये स होगा और इनको मिलाएंगे तो ये आपका जो शब्द है वो बनेगा रामस्यते। इससे आगे एग्जाम्पल है कि सत यहां पर हैं कि सत प्लस चित। सबसे पहले वो बात कि प्लस से पहले आप अक्षर देंगे तो प्लस से पहले वाला अक्षर क्या है, तो प्लस से पहले वाला अक्षर तय है कि तय इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, तय इसमें आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लस से पहले तय अक्षर है, तो ये विस्तृत संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन कंफर्म कब होगा, जब प्लस के बाद वाला अक्षर भी आप देखेंगे तो प्लस के बाद वाला जो अक्षर है वो च है आप देखेंगे, तो इसका मतलब अब ये कंफर्म हो गया है कि ये इसी संधि का एग्जाम्पल या उदाहरण है। तो यहाँ पर तय की जगह च करेंगे और च क्या होगा, आधा अक्षर होगा, तो यहाँ पर स प्लस स और ये प्रचित है और आधा जो स्रोत है वो मात्रा के अंदर चला जाता है, मात्रा के अंदर चला जाता है, तो इससे जो शब्द बनेगा वो आपका बनेगा सचित। क्या बनेगा, सचित बनेगा, क्योंकि सत प्लस चित तय की जगह आपको पता है चय होगा, क्योंकि ये बता रखा है कि तय की जगह चय हो, तय की जगह चय हो, दे की जगह जय हो, दे की जगह जय हो और नए की जगह ये हो, फिर प्लस के बाद ये अक्षर आए तब, तो ये आपको होना सचित। इसके बाद देखेंगे सागिन प्लस जय, सागिन प्लस जय, सागिन प्लस जय, प्लस के पहले वाला अक्षर देखिए हम न है, प्लस के बाद वाला अक्षर देखिए हम जय है, तो प्लस से पहले वाला जो अक्षर है न, न के स्थान पर यह होगा आपको पता है, न के स्थान पर यह कर देते हैं, ये याद रहेगा और बाकी ऐसे कैसे सब रहेंगे जय ये और ये बनाएंगे, तो सागिन जय, सागिन जय, सागी ने का ये होगा, ने का ये होगा, प्लस के बाद में जय होगा और तो बनेगा सागी जय। क्या बनेगा, सागी जय। इसी प्रकार से और है उदाहरण, जैसे रामस प्लस चुनौती, रामस प्लस चुनौती, रामस प्लस चुनौती, तो यहां पर सह का ये सह होगा लगता है, तो यहां पर ये रामस चुनौती और इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहां आएगा नहीं, तो ये शब्द बनेगा आपका रामस चुनौती। क्या बनेगा, रामस चुनौती। तो आपने आज व्यंजन संधि के बारे में, हल संधि के बारे में, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है, जैसे आप देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा कि व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता होता है, यहां पर है होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे
रहा था, कहकर गय हुआ और गय बन करके बाकी शब्द बना। जैसे तो संधि का एग्जाम्पल का उदाहरण था, उसके बाद में सबसे पहले जो संधि है, और आपको पहले भी बताए थे कि इस संधि में जो नाम है वो इनके थोड़े अटपटे है, नाम मतलब एकदम से आते नहीं है, लेकिन इनका जो तरीका है वो बहुत स्वर संधि की अपेक्षा ये सरल रूप सीधे हैं। इनको अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो इनकी सबसे इस हल संधि की सबसे पहली संधि है स्मृतु संधि। इसका सूत्र भी आपको बताया, इसमें सुना सूत्र को ध्यान ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको पता है सह हो तय व्रत, सह हो तय व्रत, सह तय संधि। ठीक है, धन्यवाद।